हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजी मैक यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के बारे में, जो कि बिहार गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के तरफ से कराई जाती है। नीट में जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं वो दो तरह से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा 15% और एक स्टेट कोटा 85%। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट वाली कोटा की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूजी मैक यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2021, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसकी काउंसलिंग कहाँ होती है तो यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया है, आईएएस एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना 14। ओके, तो मैं पूरे को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको जाना होगा। ओके, जो भी बच्चे बिहार से हैं सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा आप कतई ना सोचें कि आप यूपी में हैं तो भी आप बिहार में करा लेंगे, झारखंड में हैं तो भी बिहार में काउंसलिंग करा लेंगे। नहीं, आपको अपने स्टेट की स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको अपने स्टेट के लिए अप्लाई करना होगा। ओके, अब इसमें बढ़ते हैं। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है डेट को लेके। ओके, कभी कभार डेट एक दो दिन एक्सटेंड कर जाती है, तो आपको मैं यही कहूंगा कि भाई आप बने रहें वेबसाइट के साथ, बने रहें, प्रत्येक दिन 3 टाइम डिसाइड कर लें कि एक सुबह सो के उठना तो वेबसाइट को चेक करना है, दोपहर में चेक करना है और एक बार रात में सोने से पहले चेक करना है। अधिकतर क्या देखा गया है कि ये जो वेबसाइट अपडेट होती है ये रात में होती है, लगभग 11 से 12 बजे के आसपास वेबसाइट अपडेट होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कहा गया है कि आपको 1 तारीख को न्यूज़ मिल जाएगी या फिर 1 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो असल में आप 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे 2 तारीख से, क्योंकि वो 1 तारीख को तो अपडेट ही होगी, बोला जाएगा 1 तारीख को रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा कि किनको किनको अलॉट हुआ है। ओके, तो आपको 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख को रात में 12, 1 बजे, 2 बजे रात में आपको मालूम चलेगी, या फिर ये समझिए कि 2 तारीख को सुबह उठेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको हम देख लेते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें कहा गया है कि भाई जो ये विज्ञापन, ये जो निकाला गया एडवर्टाइजमेंट, ये 15 जनवरी 2022 ओके के क्रम में यूजी मैक 2021 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम में निजी चिकित्सा, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत इसमें होने जा रहा है। ओके, अब आपको रैंक कार्ड कहाँ मिलेगी, तो रैंक कार्ड ये मतलब अपलोड तो हो चुकी है और 24 तारीख को यानी कि कल इन्होंने कहा था कि ये अपलोड कर देंगे और कौन कौन गवर्नमेंट सीट्स हैं, कौन कौन गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी कितनी सीट्स हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी कितनी सीट्स हैं, यानी पूरा सीट का जो डेटा है वो अपलोड करेंगे। बट 24 तारीख के रात तक नहीं आया है, बट 25 है, आज आ जाना चाहिए। ओके, क्योंकि कल से तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 26 जनवरी से, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें आज ये चीज डाल देना चाहिए इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ नॉर्मल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद यूजी मैक आईडी पासवर्ड को अपने अकाउंट में लॉग इन कर, जो जो बताई गई आप पूरे पढ़ें और आप खुद से भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी साइबर कैफे या कंप्यूटर जो ऑपरेटर हो उसके पास जाएं और बताएं ऐसा ऐसा बात है, उसे ये बताएं और फिर आप आसानी से अपनी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसमें जो डेट है वो आपको मैं बता देता हूं, यहां पे आ गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको समझिए अच्छे से। यहां कहा गया है कि भाई सीट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, ये सीट मैट्रिक्स क्या होती है, ये सीट मैट्रिक्स हर गवर्नमेंट कॉलेज के पास कितनी सीट्स हैं, कितनी एमबीबीएस सीट है, कितनी बीडीएस है, कितनी कौन सी सीट है, वो सीट मैट्रिक्स। ओके, उसका ही पूरा डेटा 24 जनवरी 2022 को ये अपलोड करेंगे, बट 24 जनवरी के रात तक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं आई। फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है, 26 जनवरी से, और कब तक चलेगी,
29 जनवरी तक चलेगी। तो ध्यान दे, जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं वो 26 या फिर 27 तक भर दें, नहीं तो बाद में भाई यदि वेबसाइट की प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, वो वेबसाइट की नहीं गिनी जाएगी, तो फंस जाएंगे आप। ओके, तो कोशिश करें जितनी जल्दी इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें उतना बढ़िया, क्योंकि इसमें आप केयरलेसनेस थोड़ा भी नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होगी उसकी जो रिजल्ट होगी वो 1 तारीख को आएगी, यानी कि जो पहले फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है जिसकी आप रजिस्ट्रेशन किए, ये जो 2 नंबर में जो दिख रहा है आप रजिस्ट्रेशन किए, ओके, और लास्ट डेट बीत गई, तो आप इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड की रिजल्ट निकाल दिए। अब ये रिजल्ट होने के बाद आप चॉइस का अपग्रेडेशन, अलॉटमेंट ऑर्डर जो भी है वो काम आप 5 तारीख तक कर सकते हैं, और इसी 5 के अंदर आपको जाकर के कॉलेज के पास एडमिशन भी लेना होगा, यदि आप इच्छुक हैं कि भाई आपको जो कॉलेज मिली है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 5 तारीख के अंदर अंदर यानी 5 फरवरी, क्योंकि अब तो जनवरी जा रही है, तो 5 फरवरी से पहले आपको एडमिशन ले लेना होगा, यानी 1 से 5 तक में जो काम है, और 2 से 5 यानी 1 को तो वो भाई अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगा तो 2 ही को ना आप जाओगे कॉलेज के पास, तो 2 से 5 के बीच में आपको जाकर के वहां पे एडमिशन लेना है। अब जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, जो सीट्स वैकेंट रह गई, तो जो जो कॉलेज में सीट वैकेंट रह गई, जो एडमिशन होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, तो वो कॉलेज क्या करेंगे, उन वैकेंट सीट का डेटा वापस से बीसीसी बोर्ड को भेज देंगे इन 5 और 10 तारीख के बीच में, और फिर क्या होगी, 10 तारीख से आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सॉरी अलॉटमेंट ऑर्डर स्टार्ट होगा। अब ध्यान दे, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो क्या वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल होंगे, जरूर एलिजिबल होंगे भैया, क्यों नहीं, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आएगी तो उसे जस्ट पहले फिर से एक नोटिस आएगा कि जो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए या फिर रजिस्ट्रेशन कर पाए वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दे उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन्हें अब मौका मिल रहा है कि फिर से वो रजिस्ट्रेशन कर लें डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए, तो वहां पे वो भी कुछ नए बच्चे भी जुड़ जाते हैं। अब सेकेंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होगी वो 10 तारीख से होगी, यानी 10 को हो जाएगी, इसी 5 और 10 के बीच में नए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से पोर्टल को खोल दिया जाएगा। अब अलॉटमेंट ऑर्डर 10 से 13 के बीच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिशन वगैरह 11 से 13 के बीच। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कहाँ गई, मॉप अप राउंड कहाँ गई, तो मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड राउंड के भरोसे नहीं रहिएगा, यदि आप रहते भी हैं तो मॉप अप में तो कभी नहीं, थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज ले लेना है जो मिल रही है। नेक्स्ट ईयर समझिए 17 से 20% नए स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी कुछ नए कम्पिटिटिव स्टूडेंट आएंगे, समझ रहे हैं, तो आपको इस साल जो मिल रही है शायद अगले साल वो भी ना मिले, कौन जानता है, आप भले ही बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे लेकिन फ्यूचर कोई नहीं देखा है, तो कोशिश करें आपको जो भी मिल रही है बढ़िया से बढ़िया वो आप ले लें और अपनी तैयारी चालू रखें। नेक्स्ट ईयर जब नीट होगी तो फिर मतलब नेक्स्ट ईयर क्या, अब इसी ईयर होगी, मई जून में जो भी फॉर्म आ जाएगा तब तक मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो डाल दूंगा कि कब फॉर्म आने वाली है, जब इसके रिगार्डिंग मुझे पूरी पुख्ता नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन आ जाए तो। ओके, तो आपको क्या करनी है भाई, जो भी है बढ़िया से बढ़िया कोर्स मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेना है और अपनी तैयारी को बनाए रखना है। इसमें फायदा क्या होगा कि भाई आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने तो एक कॉलेज ले रखा है, हाँ पाने के लिए सही होगा कि भाई आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, इस लालच में आप तैयारी करेंगे और यदि कुछ अच्छा मिल जाए तो इसे छोड़कर उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, MBBS मिल गई तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसी में कंटिन्यू रखेंगे, खोने के लिए कुछ नहीं, 1 साल भी आपका बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप ड्रॉप कर देते हैं तो 3 चीज़ों का नुकसान, अब तक की पैसे वगैरह मेहनत तो कभी बर्बाद नहीं जाती, पैसे तो बर्बाद होंगे, दूसरा समय बर्बाद होगा 1 साल, और तीसरा जो आया हुआ कोर्स है हाथ में वो भी बर्बाद हो जाएगी, आप उसे छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कौन जानता कि आपको मिल ही जाएगा, हाँ पढ़ने में अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं, जो भी नहीं कि मिल जाए, चांसेस होते हैं। ओके, तो इस बार जो भी मिल रहा है आप ले लें। थर्ड राउंड की काउंसलिंग नॉर्मली 7 दिन बाद स्टार्ट होगी, यानी कि 13 है तो फिर वो आपको 20 के आसपास, ओके, 20 तारीख के आसपास, 20 के आसपास, 20, 2,
2022 इसके आसपास आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग देखने को मिलेगी। ओके, थर्ड राउंड। फिर नॉर्मली भाई आप देख रहे हैं कि भाई जैसे कि फर्स्ट राउंड की जैसे 1 से स्टार्ट हुई तो 5 तक गई, तो यहां भी 13 से स्टार्ट, 13 से तब नहीं, 13 सात 20, 20 से स्टार्ट होगी तो 25 तक जाएगी, यानी कि 25 से 26 फोर्थ, सॉरी, रिजल्ट होने के बाद ये फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब से होगी, तो 25/5/30 यानी कि नेक्स्ट 1 मार्च से, 1 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 1 मार्च से आपकी जो फोर्थ राउंड, जो और इसी फोर्थ राउंड का नाम क्या है, मॉप अप। ओके, मॉप अप राउंड, कहीं ना कहीं फोर्थ राउंड, कभी भी मॉप अप राउंड के भरोसे ना बैठे। ओके, यदि कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आप फंस जाएंगे, आपकी जो जो भी कोर्स मिल रही होती, जो भी सीट मिल रही होती, वो भी चली जाएगी। तो कोशिश करें थर्ड राउंड तक जो भी आपको बेहतर मिल रहा है आप उसे ले लें। ओके, एमबीबीएस जिसे नहीं मिल रही है वो नर्सिंग में जा सकते हैं। अब देखो भाई, जरूरी थोड़ी, क्योंकि वैसे तो एमबीबीएस वाले भी एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर नहीं लगा सकते लीगली, ना बीडीएस, ना फिजियोथेरेपी, ना नर्सिंग, कोई नहीं, जब तक आप पीएचडी नहीं करते हैं, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। ओके, एमबीबीएस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री आपको नहीं मिलती है, डॉक्टरेट यानी फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, पीएचडी। तो डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आपको पीएचडी करनी होगी, लीगली आपको डॉक्टर लगाना है नाम के आगे, तो वरना आप भी एक नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट ही स्टूडेंट हैं। हम भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो भी इस कोर्स को करता है सब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है। तो ये लीगल नहीं है, लेकिन लगाते हैं, और बहुत ही लार्ज स्केल में इसका इस तरह से वायलेशन होता है इस रूल का। तो फिर यहाँ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, वो भी शांत रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी कई मिनिस्टर हैं जो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर लगा रहे हैं और कोई कुछ कहने नहीं जा रहा है। तो भाई बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास ये जो मार्कशीट है, सॉरी, एडमिट कार्ड है, ये तो होना ही चाहिए, बिना इसके तो कुछ नहीं होने वाला। और बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट से आपको यूजी मैक की रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। बीसीसी बोर्ड यानी जब आप जाएंगे तो गूगल पे करेंगे BCECE, ठीक है, ये सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट आएगी सबसे ऊपर, आप उसे ओपन करेंगे, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, आपने जो चॉइस स्लिप फिल की थी रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको रखनी है। इसके साथ साथ जो अलॉटमेंट ऑर्डर है, जो आपको रिलीज की गई है कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, उसका जीरोक्स रखना है, 3 क्या भाई 5-6 पीसेस रख लो, कब कहाँ जरूरी पड़ जाए, तो ये आपको रखनी है। और इसके अलावा जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स है जो हम सभी के पास होने चाहिए, वो है मार्कशीट, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और पासिंग सर्टिफिकेट। ये दो दो अलग अलग कर रहा है, किसका किसका है, एक है आपका मैट्रिक का और एक है इंटरमीडिएट, यानी 10 और 10+2, दोनों के ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। ओके, अब सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए कि आप बिहार के ही निवासी हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, कहीं और स्टेट के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ ही साथ आप यदि कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे तो बढ़िया होगी, कहीं ना कहीं आपको यदि नॉर्मली एमबीबीएस नहीं मिल रही और कैटेगरी से मिल रही है तो आप कैटेगरी से ले लेंगे, और जब जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पे आपका कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप सर्टिफिकेट दीजिए भाई आपने कैटेगरी यूज किया है। तो कोशिश करें कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेने का। नॉर्मली आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो 7 से 10 दिन में आपके पास मेल पे आ जाएगा। ओके, तो कोशिश करें ये सभी करेंट एकदम लेटेस्ट बने हुए होने चाहिए। इसके अलावा 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वॉज पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड, कोशिश करें, ये बिहार सरकार है, ये थोड़ी भी कोताही नहीं बरतने देती है, ये एकदम इस चीज में स्ट्रिक्ट है कि भैया जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी एग्जैक्ट वही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई फोटो आप ही की है बट वो उस समय की थी, उसके 10 दिन बाद की आप फोटो ला रहे हैं या करेंट फोटो ला रहे हैं, फिर आपको इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा इस छोटी सी गलती के लिए। तो
तो कोशिश करें जो आपकी एडमिट कार्ड पे जो फोटो थी सेम वही होनी चाहिए, 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज विच वॉज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2021। यदि ये चेंज हो गई तो वो छांट देंगे आपको, ये ध्यान रखना। आधार कार्ड तो होना चाहिए भैया, आप भारत के नागरिक हैं तो आधार कार्ड। और पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपने फॉर्म भरा था उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी जीरोक्स दिया गया था, वो आप इसे लेके जाएंगे, ये आपको नहीं याद होगा। तो मैं बता दूं ये चीजें आपको फिर से जो आपकी बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं से इस चीज को डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। ओके, चलिए अब द चेक स्लिप 2 कॉपीड एज डाउनलोडेड अलोंग विद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म 1 कॉपी। अब ये सब चीजें हैं ये आपको करनी है। अब इसमें कुछ खास नहीं है, जो जो मेन मेन डॉक्यूमेंट थी मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, बाकी चीजें तो आपके पास होंगी ही। और यहाँ पे अंत में लिख दिया है द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ यूजी मैक इफ एप्लीकेबल। जितने भी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं कोशिश करें वो ओरिजिनल फॉर्मेट में हो। ओके, यदि आप जेरोक्स ले जाते हैं तो भी शायद काम बन सकता है, लेकिन कहीं काम बिगड़ जाए तो फिर, इसलिए कोशिश करें ओरिजिनल लेके जाएं। और अपने साथ एक दो कोई केयर टेकर या पेरेंट्स हो या कोई रिलेटिव हो जो आपके बहुत क्लोज हो उनको लेके जाएं, जिनके जिनके ऊपर आप भरोसा कर सके। यदि ये कुछ देर के लिए, यदि आपको डॉक्यूमेंट रखना पड़े तो आप उन्हें दे सकें और आप अपना काम करा सकें, यानी अपने साथ एक दो व्यक्ति को लेकर जाएं। ओके, और हाँ, नाश्ता पानी वगैरह जब वहाँ बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए तो जरूर लेके जाए, क्योंकि रात में 2-2, 4-4 बजे तक, सुबह में आप 6 बजे पहुंचेंगे तो आपको रात के 2-4 बजे, अगले दिन के 2-4 बजे, ये समझिए आपको वहीं ठहरना पड़ सकता है। अब मतलब आज जैसे कि 25 जनवरी हुई, आज 6 बजे आप पहुंचे तो आपको 26 जनवरी, ओके 26 जनवरी की सुबह तक वहां पे रुकना पड़ सकता है, क्योंकि काउंसलिंग रात रात भर चलती है, इतनी लंबी चलती है। ओके, तो कोशिश करें कि भाई अपने खाने पीने, रहने का, ठहरने का, ठंड है तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने सामान ले करके जाएं। अब यहाँ पे क्या है, नोडल ऑफिसर, ये अब कुछ खास नहीं है आपका, आपको जो जो सर्टिफिकेट चाहिए थे मैंने बता दिए हैं। अब कौन से कॉलेज का कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि भाई आपको थोड़ी मालूम कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है कौन अच्छा है, आप एक दो के बारे में मालूम जानते होंगे। लेकिन होता है क्या, हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता है, गवर्नमेंट फंड्स भेजती है, कॉलेजेस में सीट्स बढ़ते हैं, कॉलेज में फैसिलिटीज बढ़ती हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड, ये बढ़ता है और टीचिंग स्टैंडर्ड भी। तो आपको मैं करंट एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें करंट ऑर्डर जो बेस्ट ऑर्डर होगी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपको यूट्यूब पे अलग अलग काउंसलर जो पैसे लेते हैं वो आपको बताएंगे ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है। आप जब तक आपका दिल नहीं कहे, आपका मन नहीं कहे कि हाँ भैया फलाना ऑर्डर सही है, तब तक आप मत लेना दूसरे की बातों में आकर, क्योंकि हो ना हो वो चाहते हैं कि भाई जो अच्छी कॉलेज उनकी सीट खाली रह जाए और उनके जो कुछ प्रीमियम स्टूडेंट है जो उनको पे किए हैं उनको वो कॉलेज दिला दे। तो आप ऐसा कभी मत करना दूसरे के बातों पर भरोसा करके, यहाँ तक कि मेरे भी बातों पर मत करना, क्योंकि भाई वैसे तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा जो बेस्ट होगा। ओके, कोशिश करना आप उसको भरने का ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, फर्स्ट ना मिले तो सेकेंड ना तो थर्ड, ऐसा नहीं हो कि कहीं गलती से आप कोई लो मतलब स्टैंडर्ड का कॉलेज को फर्स्ट में रख दिया, तो आपको तो वो तुरंत मिल जाएगी और आप अच्छे कॉलेज में जाने से वंचित रह जाएंगे। ओके, तो कोशिश करें कि जो सही हो उसी को चुने। यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो बहुत धन्यवाद। ओके।